11 घंटे की ट्रेवल के बाद देख सकते हैं गाइस हम कहाँ आ गए। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो भैया आप सभी। तो गाइस आज है यहाँ पर जा रहे हैं, फाइनली वो दिन आ गया गाइस, आज हम पर जा रहे हैं अमृतसर। गाइस आपने मान लो बिल्कुल सही टाइटल देख के वीडियो पे क्लिक किया, तो वैसे भी ना गाइस हम मानो सुबह उठ गए हैं, बढ़िया नहा धो कर लिया, देख सकते तैयार हो गए हैं। एक मिनट आपको दिखाता हूँ पीछे, देख सकते गाइस कितने कपड़े खिंडा रखे हैं बेड पे। हो पैकिंग करे थे मान लो यार गाइस, एक दो दिन रुकेंगे वहाँ, मानो डेविड का पेपर है आपको, जैसे कि मान लो आपने पहले पहले ब्लॉग्स देखे थे उसमें आपको पता लग ही गया होगा। तो गाइस यार मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या मानो सिस्टम है अपने ना, कल पहले तो हम जा रहे थे गाड़ी पे, फिर गाइस डेविड थोड़े दिन बाद तो आप मान लो बाहर चले जाएंगे, मान लो कुछ भी हो, तो उससे पहले मान लो एक्सपीरियंस लेने जरूरी है। तो फिर गाइस हम पहले मान लो बस ट्रेनिंग में मान लो कभी गई भी नहीं है, तो डेविड बोले इस बार हम पर ट्रेन में चलते हैं। गाइस कल रात को ही प्लान बना, पहले तो हम गाड़ी में जा रहे थे, फिर गाइस कल रात को मान लो प्लान बन गया अपने ट्रेन में जाने का। फिर भाई एकदम तो ऐसे मौके पर तो मान लो वो मिलती है नहीं, तो फिर गाइस देखते हैं क्या सिस्टम रहता है। ये देख सकते हैं गाइस कितना सामान ठंडा पड़ा है, पैकिंग करा था गाइस मैं, पता नहीं लग रहा कि मान लो कभी सोच रहा हूँ ये भी डालूँ ऐसे कर करके मैं सोच रहा हूँ सारे डाल लेते हैं थोड़े पर, देखेंगे ऐसे बार कुछ सिलेक्ट करते हैं। गाइस आपको लास्ट बारी पर पिज़्ज़ा मिला देते हैं। और अरे टिंकू टिंकू इनका गाइस मतलब घर वालों ने इनका नाम, एक का नाम तो टिंकू एक का पिंकू, ये टिंकू और वो पिंकू है बुरे वाली। ओए पिंकू डी कैसी है, देख तो गाइस कितने भारी भारी हैवी और के बच्चे। गाइस भीड़ रह चुके हैं अभी घर में, देख को बात होनी नहीं थे यार की मान लो चाहे गाड़ी फुल तकड़ी रहे फुल तकड़ो पैसों रहे, पर जे बंदो डंगो हागे नहीं रहे तो बच्चे अभी गाड़ी और बंगो पैसों के फायदो, चाहे जेब में पैसा नहीं है बस में हाँ ट्रेन में, पर बंदा हागे गाड़ रहा है फुल दोनों रेस खिचड़ डेविड खिचड़ और पढ़ने लग रही है, फिर अभी तैयारी चढ़ने लग रही है, अभी बस में बैठे हैं तीनों भाई थाने के मान लो बस में बैठ सका ट्रेन में बैठ सका, पर बंदा हागे गाड़ी रही अभी मान लो कितने भी इंजॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम को नहीं है क्योंकि बंदा हागे दोनों गाड़ रहा है। सुमित मई पेपर देने बोझी गोंडिया में चढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक वाले में, कैसा फील हो रहा है रीस खिचड़? बहुत ही बढ़िया बढ़िया। अब देख तेरे को इतना अच्छा टूर करवा देंगे तूने जिंदगी में, क्या होगा कोई परेशानी तो नहीं है अभी तक हिसार पहुंचने तक, ऐसे देख तेरे को तू आग बंद करके खोलेगा अमृतसर पहुंचा देंगे। देखते गाइस जो असलियत है वो है, अभी हम आपको ऐसे झूठे कैसे कह देंगे, हम अब लैंड रोवर में जा रहे हैं, जा रहे तो जा रहे हैं, गोंडिया में क्या बात हो गई। इस भैया ने गोंडिया पुली खेच रहे, हमने कहा भैया थोड़ा सा टाइम से पहुंचा देना ट्रेन छूट जाएगी, भैया खेच रखा है अपने इलेक्ट्रिक वाला। गोंडिया स्टेशन पहुंच चुके हैं फाइनली, और अम्पा ने ना सीधी डायरेक्ट अमृतसर के तीन टिकट कटा लिए, देख सकते हैं आप 3 टिकट। गाइज एक्सपीरियंस तो गाइज कसूता ही चल रहा है यार, एक्सपीरियंस के चक्कर में आए हैं कि एक्सपीरियंस हो जाए, देखते अब पहले सारा आते ही पसीना पसीना हो चुके हैं, ये एक्सपीरियंस गाइज। और चलो कोई ना जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मैनेज करेंगे, देखते हैं। मैं डेविड तो बैठ चुका ट्रेन में, रही सामने लग रहे हो देखो कुरकुरा कर कर हर पानी गिर, बैठ जा भाई बैठ जा अभी तो एक्सपीरियंस कर लिए लाइफ में, अभी तो स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ गाइस यू नो। हरीस खिचड़ को बिठा दिया है, बज गया देखो मान लो 8 बजे लग गया ना, तो आधी अरे घंटा डेढ़ में अभी अमृतसर तो आ गया गाइस थोड़ा ही। गाइस देख को कितनी भीड़ है रेलवे स्टेशन पर, खतरनाक है जे भोले बाबा ये कहने कर भाई को पेपर क्लियर करा दो, फिर जे थारो आखिर पर रहे होनी एक दिन खरीद ही जान ट्रेन तो चक्कर पाने, मेहनत करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। पर एक बढ़िया चीज़ है चुके भाई, मौसम है चुके बढ़िया, तो भी हमने इतनी गर्मी और सीन घूम रहे हो यार, एक्सपीरियंस और लेवल कर तो लियो, और अभी दो रहे सच्ची जो झूठ बोलूँ क्या हुआ। ओ बैठो रीस, ओ बैठो डेविड,
भारी मेरी सीट। चल पड़ी है गाइस ट्रेन हिसार से। गाइस जाखल मंडी पहुंच चुके हैं, यहाँ पे स्टेशन पे आपके फुल खतरनाक भीड़। हो इतनी देर तो बिल्कुल सही चल रहे थे, मान लो जैसे मान लो ट्रेन करपुरा के थोड़ी खाली हुई, फिर से भीड़ आ चुकी है एकदम। गाइस ट्रेन में बस यही चीज़ बढ़िया हुआ है, मान लो अवे भाई रेंद्रा दाल सीरिन मिक्स कर देर जाए, एक मैली एक डेविड लिया एक रेस खिचड़ लिया है, अब बढ़िया खाना जहाँ ट्रेन चल रहा है पुलिस पिटम स्पीड गाइस रुक जाए। वैसे मान लो 7:01 मान लो डेढ़ कंट्रोल ना आगे दस गाइस। संगरूर पहुंच चुके हैं गाइस, देख सकते हैं संगरूर का बस स्टैंड। क्रॉसिंग खा गई गाइस, देखो हर माले अभी संगरूर चाल दे बड़े क्रॉसिंग यार के यार बहुत टाइम लाइयो गाइस। ठीक है यार बेजी बोर्ड को तो ठीक है यार, चलो कोई नहीं एक्सपीरियंस करा तो की ना की तो स्ट्रगल भी। फाइनली गाइस लुधियाना पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप गाइस सारे अमृतसर जाने वाले हैं, देख सकते हैं बहुत जनता है गाइस बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं आप। मैं डेविड गाइस हमारे तो ना मान लो एक अपने रतिया के भाई उनके साथ बेलचारे हो गए हमारे, तो बोले मैं अपने आप ले जाऊँगा। गाइस हम लाइन नंबर 1 पे जा रहे हैं, वहाँ से हमारी अमृतसर वाली ट्रेन खड़ी है, हमने टिकट वगैरह पहले एडवांस बुक करा दी थी, अभी हम जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम उतरे थे भी जाने वाले थे, अभी जा रहे प्लेटफॉर्म नंबर 1, वहाँ पे अपनी अमृतसर वाली ट्रेन खड़ी है। अरे हरीश खिचड़े ज़्यादा दुख तो नहीं पाया हरीशा, सही है तो कोई चक्कर कौन भी अपने भाई मिल रहे हैं अपन रतिया रहा हम पन सही ले जाएगा इस हमको रतिया वाले भाई फुल भीड़ है। ओहो भाई भीड़ चेक करो भाई साहब, चेक करो भाई साहब, ओहो अमृतसर के लिए कितनी खतरनाक भीड़ है यार। अमृतसर गाइस जगह ही ऐसी है, पहले तो हमको लग रहा है हमारी मान लो ट्रेन ये वाली फुल है, फिर हमको पता लगा हमारी वाली तो अभी तक आई भी नहीं गाइस। अभी हम मान लो इधर शॉप है, इधर कोई कोक वगैरह ले रहे हैं, कोक वगैरह लेके ठंडे होके चढ़ते हैं। गर्मी गाइस यार कभी गर्मी में ऐसे मान लो तंग हुए नहीं हुए, फर्स्ट टाइम ऐसे तंग हो रहे हैं गाइस, तो थोड़ा दौरा तो लगेगा आपको पता है यार, पर कोई चक्कर नहीं है यार मैनेज कर लेंगे। अभी लुधियाना स्टेशन पर फिरते फिर रहे हैं, हमको ना वो देख सकते ट्रेन खड़ी है, हमको लगा वो जा रही है अमृतसर, पर गाइस हम थे गलत बिल्कुल, अमृतसर वाली इस लाइन पे आएगी, हमको लगा वो वाली है। अब मैं उस साइड जाके अपने जो उन भाई के साथ बेचारे हुए हैं रतिया वाले के साथ, हम दोनों भाई जाके आए थे पूछ के आए थे वो वाली ट्रेन तो नहीं है। अब हम ऊपर से आ रहे हैं, देख सकते हैं अमृतसर वाली इधर ही आएगी, 10-15-20-30 मिनट में आ जाएगी, देख सकते हैं मैं दिखाता हूँ इधर ही आएगी गाइस, कोई दिक्कत नहीं। वाली ट्रेन भी आ चुकी है, अभी जल्दी सी मैं डेविड और जल्दी सी बाहर चढ़ाएं, अभी सीट मिलती है तो मिलती है। मिल चुकी है मैं डेविड और हरीश की चढ़ा बिल्कुल आराम से ट्रेन में चढ़ चुके हैं, और गाइस ऐसे कोई भी सीन नहीं है, हमको बिल्कुल छेड़ वाली ट्रेन मिल चुकी है, आपको दिखाता हूँ मिनट ये देख सकते हैं पूरी ट्रेन गाइस खाली पड़ी है, डेविड और ये बैठे दोनों, मैं इधर बैठा हूँ गाइस आराम से जहाँ स्पेस मिल जाए, पूरी ट्रेन खाली गाइस ऊपर ये ना गाइस स्लिप है, और ये देख सकते हैं आपको दिखा दूँ ऊपर से स्पेस खाली है अगर सोना चाहें तो, पर गाइस हमको सोना ही नहीं, आराम से बैठे हैं फोन वगैरह चार्ज करें एक बार, तो फोन चार्जिंग के पोर्ट्स पे सब मान लो अच्छी फैसिलिटी वाली ट्रेन मिली गाइस, कोई भी जैसा मान लो हमने जैसे सोचा था वैसा सही नहीं है। पहले तो हम मान लो गाइस कोई एक गली ट्रेन में चढ़ गए उधर, तो कोई धक्कम धक्के होकर बड़ी मुश्किल से निकले गाइस, कोई भाई के साथ फ्रेंडशिप कर ली उन भाई ने, फिर सलाह दी भाई ने मान लो बताया भाई मेरे गए यहाँ पे, हमको यार फर्स्ट टाइम आया ट्रेन का इतना पता नहीं गाइस, बड़ी आराम से बैठे हैं आनंद ले रहे हैं, अगर जलंधर पहुँचने वाले हैं गाइस। गाइस जलंधर स्टेशन क्रॉस कर दिया है, अब इधर मान लो ट्रेन रुकी थोड़ी देर और अब चल पड़ी है गाइस वापस अपने, अभी अमृतसर जाके रुकेगी, देख सकते हैं बस थोड़ा ही टाइम और लगेगा गाइस, और ये आगे कोशिश है खाली पड़ी गाइस बढ़िया बस गाइस अपने आधा एक घंटा और लगेगा। नए स्टेशन आते जा रहे हैं गाइस, ट्रेन रुकती जा रही है चलती जा रही है, पर अपने ऊपर फिक्र नहीं है, आप आराम से सो के लें गाइस, देख सकते हैं आराम से कोई। फाइनली गाइस अमृतसर पहुंच चुके हैं, लंबी 10-12 घंटों की ट्रैवलिंग के बाद बटी निकल गए गाइस, अभी जाते हैं होटल में। गाइस मंदिर का व्यू कितना अच्छा है गाइस, अपने रेलवे स्टेशन पे देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से गाइस, कितना अच्छा लग रहा है गाइस। कल विजिट करेंगे गाइस अपने गोल्डन टेंपल, कल करते हैं अपने विजिट, बहुत अच्छा है गाइस। तो यहाँ पर अमृतसर पहुँच चुके हैं अपने को भाई मिल चुके हैं, भाई तो हो चुके हैं फ्रेंड की, और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई आप तो? बढ़िया बढ़िया, क्या नाम भाई आपका? नीतीश।
गाइस भाई का नाम है नितीश, हमको ना गाइस सर भी बताऊं पहले तो मान लो हम देख रहे थे कि जहाँ डेविड का पेपर है ना वहीं स्टे कर लेते हैं, फिर भाई ने एडवाइस किया बोले वहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, अगर भाई ने बताया कि अगर आप गोल्डन टेम्पल के पास रुकोगे तो वहाँ पड़ी आपको सेवा भी मिलेगी, अगर आपको मन करे तो आप गोल्डन टेम्पल के अंदर जाके सेवा भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आप इधर वो मान लो मॉल रोड के पास डेविड का पेपर, फिर ये भाई बोले मैं सुबह आपको जिस टाइम पेपर है फोन कर देना, मैं पिकअप कर लूँगा। अगर गाइस आप मान लो कभी भी आओ, मैं भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, भाई से सलाह लेना अगर आपको कोई भी सलाह लेना, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करो। वैसे तो मान लो नॉर्मली आते जाते रहते तो आपको पता ही होगा, अगर मान लो फर्स्ट टाइम आओ तो आप भाई से जरूर विजिट कर सकते हैं। भाई मान लो उधर रेलवे स्टेशन के पास अपना ई रिक्शा लगाते हैं, जरूर विजिट कर सकते हैं भाई के पास। अभी भाई हमको छोड़ के आ रहे हैं अपने उधर गोल्डन टेम्पल के पास, रूम दिला देंगे, देख सकते हैं। बढ़िया अपने होटल में आ गए, इधर अपने बढ़िया रूम ले लिया गया, जो अपने वो भाई मिले थे ना उन्होंने बढ़िया अपने को रूम वगैरह दिला दी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपने बढ़िया खाना वगैरह खा लिया, इसके साथ का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। और गाइस कल आपको अच्छे अच्छे प्लेस देंगे, विजिट कराएंगे अमृतसर में, बस आप बने रहना गाइस व्लॉग में, और कल का व्लॉग जरूर देखना। ओके गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय, टेक केयर।